तुम? हाँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ देवयानी, और ये नफरत कभी भी इंतकाम में बदल सकती है। मुझे धमकाने आई हूँ, खबरदार करने आई हूँ। तुमने जो नगमा के लिए जाल बिछाया है ना, उसमें वो नहीं फंसेगी। देवयानी नफरत और मुहब्बत दोनों डंके की चोट पर करती है। बुजदिलों की तरह छुप कर वार तुम लोगों ने किया था। मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। तुम्हारा बेटा मेरी पोती पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा है, उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, ताकि हमारी जो दुश्मनी है ना वो दोस्ती में बदल जाए। मेरे लिए तुम्हारी दुश्मनी और तुम्हारी दोस्ती दोनों मायने नहीं रखती। अगर उन दोनों में कोई दोस्ती है तो हुआ करो, मुझे इससे क्या। तो तुम अपने बेटे को रोकोगी नहीं? नहीं, तुम रोक लो अपनी पोती, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। फैसला तो फैसला होता है, पहला क्या और आखिरी क्या। तो मेरा फैसला भी सुन लो, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है और इसे मैं रोक कर रही हूँ। मुझे चैलेंज कर रही हूँ? हाँ, इसे सोच लो, क्योंकि मेरा नाम देवयानी है, और देवयानी वो औरत है जो जिद पे आ जाए तो पहाड़ से भी टक्कर ले सकती है। मैं भी एक औरत हूँ, ये जिद मेरे किरदार का भी एक हिस्सा है, याद रखना। ठीक है, याद रखूंगी। आपको अगर जो कहना था कह चुकी हो तो दरवाजा खुला है। बड़ा नाज है ना तुम्हें अपने हौसलों पर। नाज नहीं है, कुदरत की देन है। अच्छा, मैं भी देखती हूँ। ये सभी मेरा कौन है? मेरे एक दोस्त की माँ है, बहुत बीमार है, अगर ऑपरेशन नहीं हो तो वो मर जाएगी। ऐसे न जाने कितने मजबूर मरीज खैराती अस्पताल में पड़े हैं, जिनके पास सही इलाज कराने के लिए रुपया नहीं। किस किस को बचाते फिरोगे तुम? और वैसे भी जीवन मरण तो ऊपर वाले के हाथ में है, अब उसकी आई गई है तो तुम उसे बचा नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि हम इंसानियत से अपना मुंह मोड़ लें? अरे भाई, तो इंसानियत से मुंह ना मोड़ो, पैसे कमाओ और जाके दे दो। आओ दिखरा, आओ, पैसा ना बंदोबस्त थयो। आंटी, मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सकता है तो क्या आप एक मजबूर और बेबस औरत को अपनी आंखों के सामने मर जाने देंगी? क्या इंसान के लिए इंसानियत, हमदर्दी, दया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है? क्या किसी को भगवान से डर नहीं लगता? हमको तुमसे बहुत हमदर्दी है, हम गॉड से बहुत डरता है, हम दया धर्म बहुत करता है, लेकिन इतना हैसियत नहीं हमारा। तो क्या उसे मर जाने दे? सू करो दिखरा, सू करो। मैं अपना खर्चा और फीस छोड़ दूंगी, और ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, लेकिन बाहर से जो डॉक्टर आएंगे उनका खर्चा, उनके स्टाफ का खर्चा, महंगी दवाइयों का खर्चा, ये सब रुपया कहाँ से आएगा? अरे बोल दिखरा, बोल, आपका पैसा खो दिया उससे। आंटी मैं क्या बोलूँ, आंटी मैं क्या बोलूँ, मैं तो एक अमीर बाप का गरीब बेटा हूँ। लेकिन तुम तो बोला कि ये सब रुपया तुम अपने बाप से लाने वाला है। उन्होंने देने से इनकार कर दिया, यही तो रोना है। जो दिखरा, अब तो हम पेशेंट के वास्ते सिर्फ प्रेयर कर सकते, और वो तो हम जरूर करेगा। अगर गॉड ने हमारा प्रेयर सुन लिया तो कोई फरिश्ता जरूर भेज देगा। यस माय सन, यू कैन नेवर नो। आंटी, ऑल आई नो राइट नाउ इज कि अब इस दुनिया में फरिश्ते नहीं शैतान बसते हैं, मतलब परस्त शैतान। जिस मतलब परस्त शैतान ने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया है ना, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। किसकी बात कर रहे हैं आप? जिसने तुम्हारे पति की जान ली थी, उसी की जिसने तुम्हें विधवा बनाया था। अब उसका नाम भी बताओ। नहीं, मत छेड़ो उस राह के ढेर को, मत याद दिलाओ मुझे उसका नाम। उसका नाम ना लेने से उसका नाम मिटने वाला नहीं, और ना ही उससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। देखो सर, अन्याय करना अगर पाप है तो अन्याय को सहना उससे भी बड़ा पाप है, और उसके जुल्म को भूलकर तुम सिर्फ अपने आप पर ही नहीं, अपनी बेटी पर भी जुल्म कर रही हो। उसने इतना बड़ा छल कपट किया तुम्हारे साथ, और तुम खून का घूंट पीकर चुपचाप यूं खामोश पड़ी हो। एक पैर तो मेरा कब्र में पहुंच चुका है, और मैं कर भी क्या सकती? तुम बहुत कुछ कर सकती हो। मगर क्या? बदला। लेकिन कैसे? वो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरी लाश को बताएंगे? तुम मरोगी नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा सेवी मेहरा। तुम्हारा ऑपरेशन होगा, अरे 35,000 तो क्या, उस पर 1,00,000 ऊपर से और भी लगेंगे तो लगाऊंगा, और तुम्हें बचाऊंगा।
मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। सभी मेरा तुम्हें जरूर बचाऊंगा। राहुल, मैं एक सवाल पूछूं? कैसी फॉर्मेलिटी है? क्या तुम भी मुझे पसंद नहीं करते? कैसा घटिया सवाल किया तुमने। क्या हो गया तुम्हें आज? राहुल प्लीज, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। तुम मुझे जवाब दो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? हाँ भाई, बहुत पसंद करता हूँ। बहुत मतलब? पसंद ना पसंद नापी तो नहीं जा सकती है। नहीं, नापी जा सकती है। ठीक है भाई, तुम ही बताओ कैसे। क्या तुम दीदी को ज्यादा पसंद करते हो या मुझे? ये दो किस्म की पसंद है, इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। दो किस्म की पसंद? नादान हो, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मुझे मामा डैड को फोन करनी है, मैं जा रहा हूँ। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके ओके बाय। हेलो। हाय। हाय, ये लो अपनी मम्मी का मीठा मीठा प्यार। लगता है इस मीठे मीठे प्यार पे तुमने पहले से ही डाका डाल दिया। पूरी हजम कर गए क्या? नहीं नहीं, थोड़ी थोड़ी अभी देखते। मगर ये तो आधा खाली है। कहाँ आधा खाली है ये? अरे ये आधा भरा हुआ है। ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। भाई मुझे तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम्हारी अम्मी मेरी सास बनेगी। मुझे मेरी फेवरेट फेवरेट मिठाइयां खिलाया करेंगी, तुम देख लेना। क्यों, घर जमाई बनने का इरादा है? क्यों, वो हमारे साथ रहेंगी? अव्वल तो मेरी अम्मी इस बात के लिए राजी नहीं है, लेकिन बाय चांस अगर तुमने उन्हें यू नो पटा भी लिया तो क्या तुम्हारी मम्मी इस बात के लिए रजामंद हो जाएंगी? क्यों नहीं। पहली बात, मेरी मम्मी की खुशी उसी चीज में है जिस चीज में मेरी खुशी। आफ्टर ऑल बेटा हूं उनका, वो बहुत प्यार करती है मुझसे। एंड दूसरी बात, तुम्हारी अम्मी लाखों में एक, उनका साथ मिलेगा तो मम्मी का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और हमारा हंसी खुशी गुजर जाएगा। You've got a point. अपसेट लग रही है। देवयानी, क्या बात है? कुछ नहीं अशोक भैया, कुछ नहीं। तो परेशान क्यों हो तुम? मेरी किस्मत में ही परेशानी लिखी है, एक आफत टलती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। किशन को नगमा से प्यार हो गया है। देवयानी, किस्मत परेशान होने की क्या बात है? किशन को नहीं मालूम कि नगमा सलमा की बेटी और पठानी की पोती है। हे भगवान, कैसा अजीब इत्तेफाक है। दिव्यानी, तुम्हारे जीवन की तो कोई भी घटना नॉर्मल होती ही नहीं। क्या किशन को मालूम है कि नगमा तुम्हारे दुश्मनों की बेटी है? नहीं। अरे तो फिर उसे बता दो, वो खुद ही पीछे हट जाएगा। नहीं भाभी, ये इतना आसान काम नहीं है। वो मर जाएगा लेकिन अपनी जिद से नहीं हटेगा, बिल्कुल सुशील की तरह। हटेगा क्यों नहीं? मैं आज ही शिवराजपुर जाकर उसे समझाता हूँ। क्या समझाओगे? यही कि वो नगमा से मिलना बंद कर दे। नहीं भैया, आप उसे ये नहीं समझाएंगे, वो नगमा से ही शादी करेगा। तो तुम कैसी उल्टी बातें कर रही हो? पहले तुम रिश्ते से परेशान थी और अब क्या हो गया? आपने मेरी परेशानी को गलत समझा है अशोक भैया। वो पठानी खानदानी दुश्मनी कायम रखना चाहती है और मेरे बेटे के प्यार को अपनी नफरत पर कुर्बान कर देना चाहती है। ये दिलों का मामला है अशोक भैया,
किशन का जीवन वीरान हो जाएगा, रौनक चली जाएगी, हम उसके दिल को दबोच लेंगे। मैं उसके साथ ये ना इंसाफी नहीं होने दूंगी। दिव्यानी, तुम जो कह रही हो वो गलत नहीं है, लेकिन तुमने जो ये हल सोच रखा है ना, वो भी सही नहीं है। दोनों खानदानों के हाथ खून से रंगे हुए हैं और दोनों खानदान उसकी कीमत अदा कर चुके हैं। ऐसे जख्म आसानी से नहीं भरा करते दिव्यानी। तुम्हारा सुहाग उस खानदान ने लूटा है तो आज दिल से ये दर्द मिट गया? अपने दर्द के लिए अपने बेटे को दर्द में डुबो दो भैया। ये किशन का पहला प्यार है और पहला प्यार दुनिया की कोई तलवार नहीं काट सकती। किशन बागी हो जाएगा अगर पठानी का खून उसकी पलकों में उतर आया है तो टपकने दीजिए उसे, बूंद बूंद का हिसाब हो जाएगा। ये होली पहले भी खेली गई थी, एक बार और सही। लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य है नरेश मल्होत्रा से बदला और वो मैं लेकर आऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो। हाय अजय। हाय अजय, यू लुक वरीड यार, एनीथिंग रॉन्ग? एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? हाँ ऑफ कोर्स। उस दिन पार्टी में उस लड़की की वजह से तुमने जो लड़ाई मोल ली थी, बता सकते हो उसके साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक? उस लड़की के साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक। कितना गहरा पूछ सकता हूँ? अरे बिल्कुल यार। नाम दे सकते हो उस रिश्ते को? उस रिश्ते का नाम है इंसानी मर्दांगी। यानी? यानी कि तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक शरीफ लड़की मेरे पार्टी में आती है और उसे दो गुंडे छेड़ते हैं। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तो तुमने क्या समझा जाए? That Kishan is too timing me. जो कि मैं कर ही नहीं सकता। Thank you यार। Okay। अब एक मिनट। वैसे तुम मुझे ये बता कि तूने ये सवाल पूछा क्यों? कैसी बातें कर रहे हो किशन? कुछ बातें समझने की होती हैं, पूछने की नहीं। क्यों आ जाए? ठीक है ना मैंने? You are absolutely right. Okay, see you all. Bye. Bye. Bye-bye. Take care. कैसे आदमी हो तुम? You don't even understand this. Ajay is interested in Nikki. Oh, I see. Hello, what do you see? Hi, Karan. Hi. कैसे हो? बस जी रहे हैं किसी तरह। क्यों भाई? तंग आ गया क्या जिंदगी से? यही समझ लो तुम। वजह? मोहब्बत से मोहब्बत की जाए तो समझ में आता है, लेकिन मोहब्बत से नफरत की जाए नहीं समझ में आता। ये किसका जिक्र हो रहा है करण? ऑफ कोर्स पायल का। वो मोहब्बत से नफरत करती है। मगर क्यों? अब यही तो नहीं मालूम। तो फिर मालूम करो ना। कैसे मालूम करूं? वो मेरी बात ही नहीं सुनती, दरवाजा बंद कर देती है मेरे मुंह पे। यार किशन तू मेरी मदद कर, डू समथिंग यार। हर दोस्त की जान हाजिर है मेरी जान। तू बोल क्या चाहता है? तू एक काम कर, तू उससे मिल और उससे उसके कॉम्प्लेक्स के बारे में पता कर। ठीक है, मैं आज शाम को इसके घर चला जाता हूं। ओके पक्का? अरे पक्का यार, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड यार। ओके थैंक यू सो मच, बाय। हां या बाय। ये क्या किया तुमने तो कहा था शाम को तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हारे साथ मैंने पूरी जिंदगी गुजारनी है मेरी जान। जिंदगी नगमा के नाम और सिर्फ एक शाम अपने दोस्त के नाम। ठीक है। किससे मिलना है आपको? पायल से। आपका नाम? किशन। काम? अरे यार अब सब कुछ आप ही को बता दूंगा तो उनसे क्या बताऊंगा। ये भी ठीक है, आप उनसे जाके कहिए किशन आया, वो मेरे नाम से वाकिफ है। ठीक है आप बैठिए। बहुत बहुत मेहरबानी। हाय किशन। हाय पायल। मुझसे मिलने आए हो? जाहिर है, अच्छी लग रही हो। कैसे आना हुआ? वो पायल, तुम्हें मैं पार्टी में ठीक से अटेंड नहीं कर पाया तो सोचा तुमसे माफी मांगूं। मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरे और तुम्हारे बारे में कुछ और ही समझ बैठी थी। She got very jealous, you know? It's okay. पायल, मेरे यहाँ आने की एक खास वजह है। Yes.
यार तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो हमेशा हंसती खेलती रहती हैं, यहाँ तक कि किसी ना किसी को अपना बॉयफ्रेंड भी बना लेती हैं। यार मगर क्या बात है, तुम इतनी बुझी बुझी सी क्यों रहती हो? देखो किशन, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहती। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात नहीं करोगी तो इस कॉम्प्लेक्स से बाहर कैसे आओगी? मुझ में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। सच कह रही झूठ? तुम मुझसे नहीं बल्कि खुद से झूठ कह रही हो। And it's not fair to be unfair to oneself. हो सकता है तो मैं खुद को समझने में मेरी मदद काम आ जाए। देखो किशन, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। पायल पायल, हो सकता है तुम्हारी ये जिद, तुम्हारी ये एटीट्यूड किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे। Love is the most noble emotion that God has given to humanity. प्यार एक धोखा है। ये तुम कैसे कह सकती हो? Experience. क्या एक्सपीरियंस है तुम्हें? पायल वो कौन सा एक्सपीरियंस है? मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। प्लीज पायल, आई रिक्वेस्ट यू। जिद मत करो किशन। ये जिद नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। आखिर वो कौन सा एक्सपीरियंस है जिसने लव जैसे टेंडर इमोशन तक को डर में बदल दिया है? पायल तुम मुझे जब तक बताओगे नहीं, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। दादी माँ, आप? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आप यहाँ अकेली? बेटी तुम जानती हो एक सिपाही को पाक मकसद के लिए अकेली ही जंग करनी पड़ती है। लाइक है दादी माँ, कैसी जंग? जवानी की जंग जो बुढ़ापे में मैं कर रही हूँ। दादी माँ, आप साफ साफ क्यों नहीं बताती कैसी लड़ाई, किसकी लड़ाई और किससे? तुमने गुनाह किया है बेटा। दादी माँ, वजह बयान किए बगैर आप मुझे टेंशन दे रही हैं। आप बताती क्यों नहीं कि मैंने क्या गुनाह किया है? तुम जानती हो कि किशन कौन है? जी हाँ जानती हूँ। इंसान है, नेक और शरीफ, बंदाए खुदा है वो। मत कहो तुम बंदाए खुदा उसे। क्यों? क्योंकि वो हमारे मजहब का नहीं है। वो हमारे मजहब का नहीं है इसलिए वो खुदा का बंदा नहीं है? नहीं, वो भगवान का बंदा है। दादी माँ आप ये क्या कह रही हैं? What are you saying? जो इंसान हमारे मजहब का नहीं है वो खुदा का बंदा ही नहीं है? नहीं, वो भगवान का बंदा है। तो ये भगवान कौन है? हम नहीं जानते। और ये गॉड कौन है? वो भी हम नहीं जानते। तो फिर आप कुछ नहीं जानती दादी माँ, और जो जानती है वो गुनाह है, कुफ्र है। खबरदार लड़की, दो लफ्ज अंग्रेजी के क्या आ गए कि तुझे बड़ों से बात करने का सलीका ही नहीं रहा? दादी माँ, बहस में दूसरे के नजरिए पर भी गौर किया जाता है, नाराज नहीं हुआ जाता। प्लीज, मेरी मंशा आपसे बेअदबी करने की बिल्कुल नहीं थी। फरमाइए, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ कैसे की? क्या गुनाह है मेरा? किशन। क्या मतलब? क्या रिश्ता है तुम्हारे से? कई रिश्ते हैं। कई रिश्ते हैं? जी हाँ, साथ साथ पढ़ते हैं हम, दोस्त हैं, एक दूसरे से दिली रिश्ता रखते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो फिर ये रिश्ता, ये दोस्ती और ये पसंद, इसे आज ही खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि वो खुदा का बंदा नहीं है इसलिए? नहीं, क्योंकि वे आस्तीन का सांप है। उसकी माँ ने मुझे बेवा बनाया था बेटी, और तुमने यकीन किया था। आप होश में तो है दादी माँ? अब जानती आप क्या कह रही है? हाँ मैं होश में हूँ, और मैं दोबारा कह रही हूँ कि किशन की माँ ने ही तुम्हें यतीम बनाया और मुझे बेवा। हम लोग अमीर थे और अनिल गरीब। मेरी बड़ी बहन शोभा, उसने इस फर्क को भुला दिया और वो अनिल की मोहब्बत में पागल हो गई। लेकिन डैडी ने दुनिया देखी थी, वो जानते थे जिस तरह जमीन और आसमान का मेल नहीं हो सकता, उस तरह अमीरी और गरीबी का मेल भी नहीं हो सकता। पापा ने दीदी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दीवाने कहाँ समझते हैं। शोभा बेटे, अमीरी और गरीबी का मेल महज एक ख्वाब है, एक कल्पना है, एक ऐसा झूठ जो प्यार को गुमराह कर देता है। वो लड़का गरीब है बेटे, और गरीबी एक दुर्भाग्य है, एक बदकिस्मती है, एक दर्द है, एक बीमारी है। अमीरी गरीब की गरीबी दूर नहीं कर सकती, लेकिन गरीबी अमीर की अमीरी को खा जाती है बेटे। पापा, प्यार सौदा नहीं है, दिल का सोने चांदी से भला क्या रिश्ता? प्यार की तो दुनिया ही अलग होती है। पागलों की दुनिया है वो। सर पे छत न हो, पेट में रोटी न हो, तो ख्वाब भी बिखर जाते बेटे।
और जिंदगी इससे कहीं ज्यादा कड़वी है। पापा प्यार इस करवाहट को मिठास में बदल देगा। वहम है ये तुम्हारा बेटे, वहम। हम इस वहम को हकीकत में बदल देंगे। शट अप, शट अप।